सिंगरौली में विधायक सुभाष रामचरित वर्मा की अगुवाई में विकास यात्रा निकली। विधायक द्वारा शासन की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में जनता को बताया गया, साथ ही विभिन्न निर्माण कार्यों, शिलान्यास, भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्य किया गया। शिवराज सरकार की विकास यात्रा प्रदेश भर में चल रही है। सिंगरौली में देवसर विधानसभा के गाँव में विधायक सुभाष रामचरित वर्मा की अगुवाई में विकास यात्रा निकाली गई। सुभाष रामचरित वर्मा ने जनता से संवाद स्थापित किया। उन्होंने जनता की रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं के जल्द निराकरण का वादा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंगरौली तीव्र गति से विकास कर रहा है, यहाँ पर कई विकास के कार्य किए जाएंगे। विधायक द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य का शिलान्यास, भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्य भी किया गया। इस अवसर पर SDM VP पांडे और प्रशासन के अन्य अधिकारियों सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अनेक प्रकार की 38 प्रकार की योजनाएं चल रही। योजनाओं को तो गिनाएंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। पिछले बार जनसेवा शिविर के माध्यम से हमने 2 महीने पहले भी मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर हमने लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए प्रत्येक पंचायतों में 1 महीने का जनता दरबार, जिसमें निराकरण वहीं तत्काल करने के लिए आवेदन आए थे। कुछ नाम छूट गए थे, ऐसे परिवारों को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए हम लोग विकास यात्रा के माध्यम से स्वयं उन गाँव गाँव जाना हो रहा है, जिसमें 5 फरवरी से हमने शुरू किया है और 25 फरवरी तक चलेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।